धीरे धीरे चक्रवात विपर्जॉय विकराल होता जा रहा है। हालांकि अभी इसे आने में कुछ ही घंटे शेष हैं, लेकिन इसके टेरर का असर दिखना शुरू हो गया है। चक्रवात विपर्जॉय की वजह से कहीं तेज हवाएं बहने लगी हैं तो कहीं बारिश और पेड़ धाराशायी हो गए हैं। सड़कों की हालत ऐसी है कि हवाओं की वजह से उड़कर आया सामान बिखरे ताश के पत्तों की तरह लग रहा है। हाल ये है कि अभी से गुजरात समेत कई राज्यों में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है, साथ ही मुंबई और गुजरात में बारिश शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, समुद्र की लहरों ने उछाल मारना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो विभाग का कहना है कि ये तूफान राज्य के 8 जिलों में व्यापक असर डालेगा। वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में इस चक्रवात से प्रभाव न पड़े, इसको लेकर सरकार, सेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है ताकि उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़े। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महातूफान खौफ बनकर मडरा रहा है। ये 9 राज्य लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिमी राजस्थान हैं। विभाग की माने तो गोवा के कुछ इलाकों में भी आज और कल तेज हवाओं और बारिश के आसार हैं। गोवा के परनेम और मापुसा के लिए IMD ने आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज के साथ बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी 34 डिग्री रह सकता है। गोवा में इस तूफान के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। फिलहाल पर्यटकों के समुद्र तट पर आने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2-3 दिन तक चक्रवाती तूफान का असर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के तौर पर हो सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र तट से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। उफान पर आए समंदर में मौजूद नौकाओं को पहले ही वापस लौटने का अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं अपनी ड्यूटी निभा रहे कोस्ट गार्ड को लहरों से लगातार जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब तक करीब 1100 से ज्यादा नाव वापस किनारे पर लौट चुकी हैं। गुजरात के द्वारिका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं गुजरात को लेकर मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि कच्छ, देवभूमि, द्वारिका और जामनगर जिलों के इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। कच्छ जिले में तट से करीब 5 किलोमीटर दूर आशीर्वाद गांव में लोग तभी वहां से जाने को तैयार हुए जब पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने समझाने बुझाने के साथ उनके साथ बैठक की। सरकार के श्रम अधिकारी सीटी भट्ट ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि चक्रवात में कोई हताहत ना हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।